गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आपने पढ़ा था कि एबायोटिक रिस्पॉन्स जो है एनिमल्स थ्री तरह से शो करते हैं। फर्स्ट रेगुलेटर, नंबर टू पार्शियल रेगुलेटर, नंबर थ्री कन्फर्मर। वो एबायोटिक रिस्पॉन्स के उसमें था, टर्म्स में। लेकिन अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, रहना उनको उसी हैबिटेट में है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तो वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है ना। टू आउटबर्स्ट द स्ट्रेसफुल कंडीशन द एनिमल अंडरगोस नंबर वन, दैट इज द माइग्रेशन। इसमें जाएंगे एनिमल्स माइग्रेशन के अंदर। तो माइग्रेशन जो है बेसिकली कैसा मूवमेंट है, टू एंड फ्रो। जो भी माइग्रेट कर रहा है वो टेम्पररली माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम ए पर्टिकुलर हैबिटेट ड्यू टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन। वो रिटर्न होके वापस वहां पर आएगा, ठीक है ना। मतलब एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से आप थोड़े से हॉस्पिटेबल कंडीशन की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, लेकिन आप वापस अपने सेम हैबिटेट में आओगे। उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन, ठीक है ना। टू आउटबर्स्ट और टू रिमूव स्ट्रेसफुल कंडीशन, टू रिमूव स्ट्रेसफुल कंडीशंस, सम एनिमल्स माइग्रेट टेम्पररली फ्रॉम हार्श कंडीशन टू हॉस्पिटेबल कंडीशन फॉर, ये किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है, फॉर फूड, फॉर अवॉइड एबायोटिक कंडीशंस ऑफ फूड, टेम्परेचर जिसको हम लिख देंगे, जैसे समर से विंटर, विंटर से समर, इस तरह का टेम्परेचर, एंड फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो, फॉर मेटिंग। इज कॉल्ड माइग्रेशन। इट मीन्स माइग्रेशन कैसा हुआ, टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट। माइग्रेशन मतलब ये नहीं होता कि आप गए और वहीं पर रह गए, आपका हैबिटेट सेम है। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, क्योंकि सारी चीजें इकोलॉजी में विद एग्जाम्पल्स ही होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लोकस्ट को देखो। लोकस्ट ने क्यों माइग्रेशन करा, लोकस्ट अभी आया था, अलवर के पास में भी आया, चाइना भी गया, ठीक है ना। तो लोकस्ट ने माइग्रेशन करा जस्ट फॉर फूड, ठीक है ना, माइग्रेट फॉर फूड, ठीक है ना। तो लोकस्ट बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट्स है, ठीक है, पूरा का पूरा इतना हाईली पॉलीफेगस है कि पूरी फसल खा जाता है, ठीक है ना। मतलब इसका एक ग्रुप 30,000-35,000 लोगों का खाना एक साथ खा सकता है आसानी से, और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यस, एक एग्जांपल और लेंगे अपन भरतपुर वाला, ठीक है ना। साइबेरियन क्रेन जो है वो यहां पर आती है भरतपुर में टू अवॉइड द विंटर। सो टू अवॉइड हार्श विंटर पीरियड, साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन आपको मालूम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास में है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स इन विंटर इन भरतपुर केवला देवी नेशनल पार्क, भरतपुर केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है ना। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट इन विंटर इन भरतपुर केवला देव नेशनल पार्क, आपको भी मालूम होगा भरतपुर एरिया आपके बिल्कुल पास में ही है, ठीक है।
एक और एग्जांपल लेंगे हम सालमन फिश का। देखो बेटा, सालमन फिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉनिंग के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए ही माइग्रेट करती है, मेटिंग के लिए ही क्या करती है, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। तो जितने भी एडल्ट होते हैं सालमन फिश के, वो माइग्रेट करते हैं सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं कैसे, दैट इज द एनाड्रोमस। कैसे माइग्रेट करेंगे, सॉल्टी वाटर होगा दैट इज द ओशियंस, ओशियन से माइग्रेट कर गए कहां पर, रिवर्स की ओर, दैट इज द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या करेंगे, स्पॉनिंग करेंगे, ठीक है ना, एग ले करेंगे और उसके बाद में उसमें से लार्वा हैच होगा, मेल और फीमेल की डेथ हो जाती है। ये अपनी लाइफ में एक ही बार क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल जो है आफ्टर स्पॉनिंग दे बिकम डेड, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में गए, स्पॉनिंग करा, किसका फॉर्मेशन हुआ, लार्वा का। ये लार्वा अपने जिंदगी के 4-5 साल कहां बिताता है, उसी फ्रेश वाटर के अंदर, और 4-5 साल तो ज्यादा हो गया, 1 to 2 years कहां बिताएगा, दैट इज इन फ्रेश वाटर, और वहां से माइग्रेट होगा वापस कहां पर, सॉल्टी वाटर में, ठीक है। इस तरह के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, जो फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर के अंदर आया है, दैट इज कैटाड्रोमस। तो माइग्रेशन बेसिकली किस पर्पस के लिए हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है स्ट्रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। ये कोई उस भाई आप इस तरह से टेम्परेचर में रह रहे हो या आप इस तरह के फूड आपको कम मिल रहा है, तो आप कुछ समय के लिए उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कहीं बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपने वो स्ट्रेसफुल समय वहां पर व्यतीत करा, देन यू अगेन गो बैक टू योर होम। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन फूड पर्पस के लिए हो सकता है, माइग्रेशन टेम्परेचर चेंज के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए हो सकता है। इसके बेस्ट 3 examples हैं लोकस्ट, सालमन फिश एंड साइबेरियन क्रेन, ठीक है, जो तीनों ही आपके नोन होंगे, आपने देखे भी होंगे। सालमन फिश आपने जरूर नहीं देखी होगी, ठीक है। सो हम सेकेंड उसमें चलते हैं, दैट इज सस्पेंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट मोड टू आउटबर्स्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन इज नोन एज, सेकेंड वन इज सस्पेंड। सस्पेंड मतलब उसको, उस स्टेज को क्या कर दिया, उसने हटा दिया। मतलब ये स्टेज एक लाइफ साइकिल की ही स्टेज है, जैसे हमारे अंदर लाइफ साइकिल चलती है, तो लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा है, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा प्यूपा, फिर एडल्ट, इस तरह की स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जो है डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, तो लाइफ की ही एक स्टेज है। अब उसमें से एक स्टेज को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आप उस स्टेज को कैसे माइनस कर रहे हो, सपोज करो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है, बाहर बहुत तेज विंटर है, तो एनिमल क्या करेगा, उस समय विंटर के साथ में फाइट नहीं करेगा या माइग्रेट भी नहीं करेगा, क्योंकि सपोज करो कोई विंटर सीजन में रहना चाहता है और वो विंटर में ही उसकी बॉडी वैसी ही अडेप्ट हो रखी है कि वो विंटर में ही रहेगा, तो वो पास करने के लिए किसी दूसरी कंडीशन के अंदर तो नहीं जाएगा। अब वो क्या करेगा, एनिमल उसी जगह पर रहेगा, माइग्रेट नहीं करेगा, लेकिन अपनी उस पीरियड को वो सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड मतलब अपनी मेटाबॉलिक रेट को इतना लो कर देगा, रेस्पिरेटरी रेट को इतना लो कर देगा कि यस वो लिविंग है, वो वायबल है, बट वो एक्टिविटी बहुत कम कर रहा है, दैट इज नोन एज द सस्पेंड। जिंदा रहना, जिंदा रहना बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जिंदा रहने के अलावा आपकी एनर्जी कहीं भी खर्च नहीं हो रही। जैसे कि सीड है, सीड क्या करता है, सीड वापस जाके उग सकता है, लेकिन वो वायबल रहेगा, टाइम पीरियड होता है उसका भी 1-2 साल, वो वायबल रहेगा। जैसे ही पर्टिकुलर हार्श कंडीशन वहां से चले जाती है, वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आते ही वापस ग्रो कर देगा। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को निकाला जाता है वाया सस्पेंड। सो सस्पेंड इज बेसिकली व्हाट, सस्पेंड क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। सबसे पहली बात, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन विच एनिमल चेंज इट्स बिहेवियर, चेंज इट्स फिजियोलॉजी, चेंज इट्स डेवलपमेंटल पैटर्न, कुछ भी चेंज कर रहा है। लाइफ साइकिल इन विच एनिमल
चेंज इट्स फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, बिहेवियर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब आप अपने अंदर ही इतना चेंज ले आए कि आपने अपने बिहेवियर पैटर्न को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। इसको भी हम किससे समझेंगे, दैट इज वाया एग्जांपल्स। इकोलॉजी में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, इस कंडीशन को, स्ट्रेस कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोअर प्लांट्स फंगस स्पेशली ये बहुत ज्यादा काम करती है, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर एक बहुत मोटी सी कोटिंग चढ़ा लेंगे, दैट इज नोन एज सिस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट, या फिर ये किसमें हो गया, अगर ये नॉर्मल भी रहेगा इस तरह से, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रह रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे, अपने जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल क्या कर दिया है इन्होंने, रिड्यूस कर दिया है। तो ये सिर्फ हार्श कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को स्पोर फॉर्म में ये क्या कर देंगे, रिमूव। अब ये इनकी लाइफ साइकिल का भी क्या हो चुका है, पार्ट हो चुका है। तो ये इसी तरह से जो है अनफेवरेबल कंडीशन को रिमूव करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे, दैट इज द डोरमेंसी। आपने पढ़ा भी है प्लांट्स में भी कि भाई प्लांट जो है क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज का ही होता है, ठीक है। तो डोरमेंट स्टेज मींस अब वो अपनी एक्टिविटी को उसने क्या कर दिया है, रिड्यूस। वो वायबल है बट वो अभी उस फॉर्म में नहीं है कि अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज करे। एग्जाम्पल में हम लेंगे इसके अंदर, हायर प्लांट्स में जो भी सीड्स होते हैं दे आर इन डोरमेंट स्टेज, ओके। सीड्स ऑफ हायर प्लांट इसके अंदर भी वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं। दूसरा अपना जो हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसके, डोरमेंसी के। एक एग्जांपल तो मैं भी आपको बता दूं, दैट इज द जेम्यूल्स, पॉलीफेरा के अंदर जो पाया जाता है एग्जांपल जेम्यूल्स, किसका है ये, पॉलीफेरा का। अब इससे फायदा ज्यादा हो गया हमें, अब क्योंकि ये प्लांट्स माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो जब ये माइग्रेट नहीं करेंगे तो वो उसी एरिया के अंदर रहेंगे, तो इनका डिस्पर्सल कैसे होगा, अगर ये डोरमेंट स्टेज में आ जाएंगे तो ये डिस्पर्स्ड भी हो जाएंगे, दैट हेल्प इन डिस्पर्सल आल्सो, हेल्प इन डिस्पर्सल, एक पंथ दो काज, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को ये क्या करते हैं, डिस्पर्स भी कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे सस्पेंड के अंदर एनिमल्स जो हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते, ये तो हमने प्लांट्स की बात करी, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते वो एस्केप करते हैं उस टाइम को, ठीक है ना, एस्केप देयर टाइम, एस्केप टाइम। भाई एस्केप कैसे करेंगे टाइम, कोई जिन तो है नहीं कि एस्केप कर दिया टाइम, ये कैसे करेंगे एस्केप टाइम। देखो ये उन एनिमल्स के लिए है जो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सपोज करो फ्रॉग किसमें रह रहा है, वाटर में, वो उस वाटर बॉडी के अंदर है, वो माइग्रेट कैसे करेगा, वो माइग्रेट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा वो वहीं पर ही रहेगा उसी एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट उसको वही चाहिए, हैबिटेट इसको वही चाहिए, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, इस कंडीशन के अंदर वो स्लीप में चल जाएंगे, दैट इज द स्लीपिंग मोड,
पोलर बियर आपने देखा होगा, पोलर बियर कहाँ रहता है, पोल्स में रहता है। अब पोलर बियर के पास में हार्श कंडीशन आई तो वो ऐसा तो नहीं कि ट्रॉपिकल एरिया में आ जाए, मर जाएगा बेचारा, ठीक है, वो वैसे मर जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, वो अपनी इस हार्श कंडीशन को कैसे रिमूव करेगा, पोलर बियर किसमें चले जाएंगे, हाइबरनेशन में। सो एनिमल्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ माइग्रेशन, या वो माइग्रेट नहीं हो सकते, उनके अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन फिर भी माइग्रेट नहीं हो पा रहे, इसलिए तो एस्केप टाइम एनिमल्स विच नॉट माइग्रेट किसमें जा रहे हैं, स्लीपिंग मोड। तो स्लीपिंग मोड भी है, आजकल सारे जितने भी रिमोट होते हैं उनके अंदर भी एक मोड आता है, दैट इज द स्लीपिंग मोड। तो स्लीपिंग मोड कैसा हो गया, दो तरह का है, एक है एस्टिवेशन, दूसरा है आपका हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन तो हो गई आपकी विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन हो गया आपका समर स्लीप, दिस इज विंटर स्लीप। क्या करा इन्होंने, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत कम कर लिया, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बहुत कम कर लिया, और इस हार्श एनवायरनमेंट को, जो हार्श समर होगी या फिर हार्श विंटर होगी, उसको इन्होंने क्या कर दिया, एस्केप कर दिया। एक और कंडीशन आपने बहुत सुनी होगी, दैट इज द डायपोज, ठीक है ना। डायपोज का मतलब ही क्या होता है, डायपोज मीन्स पीरियड ऑफ सस्पेंड ग्रोथ, इसका तो डेफिनेशन ही यही है, पीरियड ऑफ सस्पेंड ग्रोथ। हां जी, डायपोज में कौन जाते हैं, डायपोज में जाते हैं स्पेशली जू प्लैंकटॉन्स, ठीक है। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज जू प्लैंकटॉन, इसमें सिलेजिनेला भी आएगा आपका, एक और एग्जाम्पल सिलेजिनेला। तो कुछ एनिमल्स हार्श एनवायरनमेंट को कैसे करते हैं दूर, दैट इज सस्पेंड। तो इनकी लाइफ में ही, स्टेज के अंदर ही, इनके बिहेवियर में, फिजियोलॉजी में जो चेंज आया वाया स्पोर फॉर्मेशन, वाया डॉर्मेंसी, वाया एस्केपिंग टाइम, दैट इज द एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डायपोज, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंड के, ठीक है ना। सस्पेंशन मीन्स उस टाइम को अवॉइड करना, सस्पेंड करो। ओके बेटा, क्लियर।